हेलो एंड वेलकम टू CDTFB। दोस्तों CDTFB के नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए थोड़ा सा समझाने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है डिज़ाइनिंग में, मैंने पहले भी इस तरह का वीडियो बनाया है, एक बार फिर आप लोगों को आगे भी इस तरह के वीडियो लाता रहूँगा ताकि नई नई चीज़ों के साथ नई नई ट्रेसिंग आप सीखते रहें। तो डिज़ाइनिंग में अगर आपको कंट्रोल अच्छा करना है अपने टूल्स के ऊपर, तो आपको एक ट्रेसिंग पे कमांड बहुत अच्छी करनी होगी, वेक्टर ट्रेसिंग के ऊपर। कोई भी डिज़ाइन, कोई भी वेक्टर शेप, कोई भी एलिमेंट अगर आपके सामने है तो आप उसको एज इट इज़ बहुत अच्छा ट्रेस कर पाएं, उसको समझ के। अगर आप ये कर पाएंगे तो आपकी डिज़ाइनिंग में कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे वेक्टर शेप ऐसे होते हैं आपको देखने के लिए ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाते हैं, और उनको आप ट्रेस, आप ये सोचते हैं कि किस तरह यूज़ करूँ इस तरह का मैं कलर चेंज कर। तो अगर आप ट्रेस कर पाएंगे, जैसे ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है, मैंने दो सिंपल से रखे हैं अभी, आगे आने वाले वीडियोस में फिर मैं आगे और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी दिखाऊंगा। ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं लेकिन ये बहुत यूज़फुल हैं, विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर, कुछ भी डैंगलर हो या कोई ब्रांडिंग हो, कोई भी प्रमोशनल आइटम हो, प्रेस एड वगैरह हो, उसके लिए इस तरह के एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं आप कलर चेंज करके, या यही थीम रखना चाहें। तो इसलिए मैं आपको ट्रेसिंग पे कमांड आपको चाहता हूं कि बहुत अच्छी हो जाए। तो आज के वीडियो में मैं यही सिखाऊंगा। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले, आज की क्लास शुरू करने से पहले, मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि मेरा Corel.Tutorials for Beginners का FB पेज, फेसबुक का पेज हैक हो चुका है, और उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो वापस आएगा। उसकी कंप्लेंट भी मैंने रेज कर दी है, क्योंकि उस पर कोई, जिसने भी हैक किया है उल्टे सीधे वीडियोज़ पोस्ट किए हैं उसने बीच में, हालांकि वो बीच में डिलीट भी हो गए थे, लेकिन वो जो भी गलत चीज़ें उस पर पोस्ट हो रही हैं वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो हैक हो चुका है हमारा FB पेज। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मैंने यहाँ ये दो डिज़ाइन लिए हुए हैं, मैं सबसे पहले ये एक ये वेक्टर बनाने की आपको तरकीब बताऊंगा। ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है JPG फाइल, गूगल पे मैंने सर्च किया था वेक्टर डिज़ाइन के नाम से बैकग्राउंड। यहाँ ये वाला एक डिज़ाइन, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, और एक ये वाला डिज़ाइन, ये मैंने दो निकाले हैं ताकि आपको समझा सकूँ, कॉपी कर रख लिए हैं। तो सबसे पहले मैं इसी वाले डिज़ाइन को, लेफ्ट वाले को जूम कर लेता हूँ, इसको हम ट्रेस करेंगे। इसको ट्रेस करने के लिए, क्योंकि एक रेक्टेंगल है, तो मैं एक रेक्टेंगल बना लूँगा सबसे पहले, इसी साइज़ का डिज़ाइन के शेप का। तो इस साइज़ का बनाने के लिए सबसे पहले मैं स्नैपिंग ऑन करूँगा, देखिए टॉप में जाकर ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑन करूँगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। इसके बाद मैं रेक्टेंगल टूल अपना सेलेक्ट करूँगा, कीबोर्ड से F6 भी प्रेस कर सकते हैं आप। फिर यहाँ एक इसी साइज का रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे, देखिए जब हम क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इससे एज से चिपक जाएगा रेक्टेंगल के, ये बन गया है। सिर्फ इतना बनाने के बाद अब हम इसको एक बार समझ लीजिए कि इसमें क्या है। एक तो ये ब्लू कलर का कर्व है, फिर एक ये ऑरेंज कलर में डबल टोन में, एक ये ऊपर से आ रही है, फिर एक ये डबल हमें ट्रेस करना पड़ेगा, और फिर एक ये ब्लू के पीछे एक ऑरेंज कलर की बैकग्राउंड में, बिहाइंड में एक बैकग्राउंड है। तो हमें ये वाला कॉर्नर ट्रेस करना है बेसिकली, इधर से कर लें या राइट साइड से कर लें, दोनों एक जैसे हैं। तो मैं यहाँ लेफ्ट साइड से कर दिखाता हूँ आपको, फिर इसको कर लेंगे तो इसको फ्लिप करके हम बॉटम भी बना सकते हैं, हम इसको एक जगह भी यूज कर सकते हैं, वो हम बाद में समझेंगे। तो ये ट्रेस करने के लिए सबसे पहले मैं ट्रेस करूंगा ये ऑरेंज कलर जो सबसे बिहाइंड है। तीन लेयर्स हैं देखिए इसकी, मान लीजिए एक ये ऑरेंज वाली, फिर उसके ऊपर ब्लू वाली, फिर उसके ऊपर ये वाला ऑरेंज। तो हम इसमें सबसे पहले बेजियर टूल लेंगे और ये वाला ऑरेंज बिहाइंड वाले ट्रेस करेंगे। बिहाइंड के लिए हम यहाँ स्नैपिंग मेरी ऑन है तो यहाँ ऑटोमेटिकली एक क्लिक करेंगे नोड, एक इस एज पर, और एक आईडिया से, क्योंकि यहाँ कर्व नहीं दिख रहा है तो यहाँ कहीं ले लेते हैं, और फिर यहाँ क्लोज कर देंगे। ये देखिए इस तरह की एक शेप बना लिया हमने, ट्राइंगल। शेप टूल सेलेक्ट करेंगे, F10 से कीबोर्ड प्रेस कर सकते हैं आप यहाँ से, फिर यहाँ कहीं भी इसके एक पॉइंट पे क्लिक करके सिंगल, और कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे यहाँ इस तरह, फिर उसके बाद यहाँ से ड्रैग कर शेप ले लेंगे। देखिए ये हमने सही है, लगभग, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेसी अगर आप बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये वेक्टर डिज़ाइन इस तरह का है, कोई डिज़ाइन उस तरह का हो जिसमें एक्यूरेसी की ज़रूरत हो तो वहाँ आप ध्यान दें इस चीज़ का, वरना यहाँ इतना, जैसे यहाँ हल्की सी एज दिख रही है तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर दोबारा से बेजियर टूल लेंगे, एक शेप हमने बना लिया,
इस बार हम ब्लू वाले के लिए करेंगे। देखिए ब्लू की एज यहाँ से ले लेंगे और ये यहाँ कहीं ले लेंगे, फिर यहाँ लेंगे और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। इस आउटलाइन को मजेंटा कर लेता हूँ ताकि हमें ऑरेंज वाले की आउटलाइन, ब्लू वाले की आउटलाइन, मजेंटा वाली अलग अलग पता चलती रहे हमने कौन सी सिलेक्ट की। शेप टूल लेंगे, फिर से शेप टूल के सेंटर में क्लिक करेंगे एक सिंगल क्लिक, फिर कन्वर्ट टू कर्व और इसको सेंटर से ड्रैग कर कुछ इस तरह शेप बना लेंगे। देखिए जहां भी हम सेटिस्फाई होंगे, देखिए ये देखिए ये बन गया एक शेप। अब बचाइए तीसरा कर्व। तीसरे कर्व के लिए देखिए हमारा इस तरह का एज से मिला हुआ नहीं है, तो यहां पर हम बेजियर टूल लेंगे फिर से और इस एज पर लेंगे एक, फिर यहां इस वाली एज पर ब्लू कर्व की ऑरेंज की, फिर यहां पर और फिर यहां इस वाली एज पर क्लोज कर देंगे। तो शेप टूल से यहां इसको इस बार ग्रीन कलर कर लेते हैं देखिए आउटलाइन का, ताकि हमें पता रहे। सिंगल क्लिक करेंगे इस आउटलाइन पर और ये ऑलरेडी कर्व है, तो यहां से हम इसको डायरेक्ट कर्व कर लेंगे। देखिए नोड्स पे काम करेंगे हम, एक एज सेलेक्ट करेंगे नोड की, ये देखिए इस तरह और इस तरह, ये देखिए ये हमारा कर्व की एक एज लगभग बन गई है। ये देखिए बन गई एक कर्व की एज, इधर की एज तैयार हो गई है। इसी तरह नीचे वाले बॉर्डर यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करेंगे और इस तरह ड्रैग कर यहाँ शेप बना लेंगे। देखिए इस तरह नोड्स का इस्तेमाल करके हम शेप ले लेंगे। देखिए अब ये बिल्कुल परफेक्ट आ गई है, इतना काफी है। अब क्योंकि आप इसमें देख रहे होंगे कि यहां से ग्रेडियंट डला हुआ है, यहां से डार्क है ऑरेंज और यहां आते आते लाइट हो गया है, इसी तरह ऊपर का सेपरेट है, तो हमें इस तरह का अगर सेम चाहिए तो सेम बनाने के लिए बीच में इसके लिए एक पोर्शन और हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आसान तरकीब ये लगाऊंगा, सिंगल एक बेजियर टूल लूंगा, सिंपली एक यहां कर्व करेंगे और यहां पर इसको एक नोड ले लेंगे इस एज से और इस एज से शेप टूल से फिर ले लेंगे, यहां पर सिंगल क्लिक कर्व और इसके सेंटर में इस तरह ले लेंगे। ये देखिए बस इतना काफी है। अब स्मार्ट फिल टूल लूंगा मैं नीचे से और यहां एक पोर्शन इसका स्मार्ट फिल से फिल कर लूंगा, ये कर लिया। और ये जो अभी आउटलाइन ट्रेस की थी मैंने, ये देखिए ये ऑल्ट के साथ क्लिक करूंगा कीबोर्ड से, इसको डिलीट कर देंगे। अब मैं आपको एक बार ये सब सिलेक्ट कर बाहर ले आता हूं, इसकी एक कॉपी राइट बटन क्लिक करके माउस से राइट बटन क्लिक करूंगा, तो ये इस तरह का ट्रेस हुआ है हमारा। देखिए रेड वाला छूट गया है मजेंटा का, सॉरी, तो ये मजेंटा वाला साथ लाऊंगा मैं। देखिए ये हमने ट्रेस किया है अभी जो किया है, एक ये सबसे पहले ये वाला है जो बैकग्राउंड की ये वाली ऑरेंज है, फिर उसके बाद हमने ये ब्लू वाला किया, ये इस तरह का ब्लू, ये ऑरेंज, ये ग्रीन और ये एक ही ग्रे, तो ये सब पोर्शन हमारे आ गए। अब इसमें मैं आपको बाहर रखकर ही इसके कंट्रोल जेड किया है मैंने वापस लाने के लिए, यहाँ बाहर ही रखो और यहाँ इस तरह के कलर डालकर आपको दिखाता हूँ क्या बनता है। देखिए यहाँ ऑरेंज कलर लूंगा मैं डार्क, ये रहा इस तरह, ये वाला सबसे पीछे वाला, ये बिहाइंड वाला, तो इसके साथ ग्रेडियंट डालेंगे हम, यहाँ ग्रेडियंट टूल से ड्रैग करेंगे इस तरह और यहाँ पर लाइट टोन का हम ये वाला कलर ले लेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ ऑरेंज थोड़ा सा डार्क है, तो हम यहाँ परसेंटेज इसकी हम बढ़ा सकते हैं, 60 है, यहाँ 80 कर देंगे हम। ये देखिए अब ये इस तरह से डार्क हो गया। कलर की परसेंटेज आप आगे चेंज भी कर सकते हैं। अब ये ब्लू वाला पोर्शन है, देखिए यहाँ ब्लू लाइट है, यहाँ डार्क है, तो मैं इसमें ब्लू, ये वाला रॉयल ब्लू डाल देता हूँ चलिए, और ग्रेडियंट टूल से फिर से इसको ड्रैग करूंगा इस तरह और यहां सियान कलर डालकर दिखा रहा हूं थोड़ा सा लाइट, ताकि दिखाई देगा आपको। ये देखिए ये इस तरह का ये बन गया। अब आ जाइए ये ऑरेंज वाले पोर्शन पे, ये वाला जो था, देखिए इसकी आउटलाइन का कलर मैं नन कर देता हूं, फिल का कलर नन कर रहा हूं और आउटलाइन वाइट कर देता हूं यहां इस तरह,
ये देखिए, अब ये वाले टोन हमारी डार्क है, तो हम ये वाली टोन इससे कॉपी कर लेंगे। एडिट जाकर कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम फिल, और ये इस वाली प्रॉपर्टीज से कॉपी होगा। ये देखिए इस तरह से ड्रैग कर हम ग्रेडियंट टूल लेंगे, जी से ड्रैग कर हम इस तरह बना लेंगे। फिर उसके बाद हमारा ये वाला पोर्शन बचा है, तो हम इस वाले को भी यही वाला फिल कर देंगे। देखिए एडिट कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम फिल और ये वाला, अब ये दोनों सेम हो गए, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा डिफरेंट करना है। तो इसके लिए हम शेप टूल से इसका ये इस तरह से, ताकि यहाँ पर इसकी एक शार्प एज बनकर आएगी। देखिए ये हमने फिल कर दिया, इसकी आउटलाइन नन कर रहा हूँ मैं, ये आउटलाइन नन, ये ग्रीन आउटलाइन भी नन कर रहा हूँ, सबकी आउटलाइन नन कर दूंगा। ये देखिए इस वाले की भी आउटलाइन नन कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ एक चीज़ हमें दिखाई दे रही है, इसमें डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो ये ड्रॉप शेडो है, इसकी भी आउटलाइन नन कर रहा हूँ। ये देखिए अब इसका मैं इस वाले का ऑरेंज का ग्रेडियंट थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ताकि एक शार्पनेस इस लाइन में आ जाए। ये देखिए ये हमारा वेक्टर डिज़ाइन बन गया है। लेकिन अगर आपको इस तरह की डेप्थ दिखानी है, तो उसके लिए हमें ड्रॉप शेडो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ड्रॉप शेडो कहाँ, देखिए ये वाले ऑरेंज पर, इस वाले पर, ये मैंने ड्रॉप शेडो इस तरह अप्लाई करूँगा, ये आ गया ड्रॉप शेडो। इसी तरह ये वाले पर भी अप्लाई कर देंगे ड्रॉप शेडो। ये देखिए सॉरी थोड़ा सा कम कर लूँगा इसको शार्प, ताकि दिखाई दे, और डेंसिटी 60 कर लेंगे हम इसकी। ये देखिए अब ये बन गया इस तरह की डेप्थ के साथ। इसको एक साथ ग्रुप कर लेंगे, चाहे इसी में फिल कर लेंगे हम, या इसको ये रेक्टेंगल ना, इसको मैं बाहर ले आता हूँ देखिए, और इस तरह, क्योंकि मेरी देखिए स्नैपिंग यहाँ पर ऑन है ऑब्जेक्ट वाली, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉर्नर को पकड़ूंगा और यहाँ इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली एज टू एज लेफ्ट एंड टॉप से मिल गया। अब इसको इसके पावर क्लिप इनसाइड कर दूंगा इस शेप के। ये देखिए आउटलाइन नन कर दिखाता हूँ आपको, ये इस तरह का कर्व बन गया है। फिर से कंट्रोल आउटलाइन वापस लाता हूँ। अगर हम ये चाहते हैं इसी तरह इस कॉर्नर पर भी आए, तो इसको हम यहाँ से इसी को, बल्कि शेप को पूरे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसको फ्लिप कर देंगे इस तरह राइट एंड लेफ्ट। ये देखिए, और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम, तो ये वाला शेप हमारा हो गया। अब इसको कट करेंगे, देखिए आपको समझाने के लिए आसान तरीका बता रहा हूँ, इसको डिलीट कर देंगे और हम एडिट में जाएंगे, इसके एडिट में पावर क्लिप की, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे जो हमने कट किया हुआ था ये शेप। ये देखिए ये आ गया, और एडिटिंग को फिनिश कर देंगे यहाँ। अब ये हमारा पूरा एक बन गया है। अब आप इसको चाहे विजिटिंग कार्ड में यूज़ कर सकते हैं, या कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। विजिटिंग कार्ड अगर बना रहे हैं तो एक साइड की कॉर्नर बना सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह कर सकते हैं। अब मैं इस सब को एक साइड रख देता हूँ और इस वाले शेप को ले आते हैं। देखिए ये और भी आसान है, इसमें सिर्फ बेजियर टूल से शार्प एजेस वाली एक शेप बनेगा। यहाँ पे इसके साइज का हम दोबारा से रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे। देखिए कोई सा भी एक ड्रॉ कर लेंगे तो दूसरा उसी से ड्रॉ हो जाएगा, हमें एक साइड का ही काफ़ी है। बेजियर टूल लेंगे, सबसे पहले ब्लू क्योंकि सबसे पीछे है ये, फिर यहाँ नोड एक, फिर यहाँ नोड एक, फिर यहाँ नोड एक एज पर, और यहाँ क्लोज। फिर शेप टूल जूम कर लेंगे एक बार, फिर दोबारा से लेंगे शेप टूल, यहाँ नोड एक, बस नोड सही जगह लेनी है हमें। हमें इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि हम अच्छी नोड सही जगह पर लेंगे तो हमारा काम आसान होगा। देखिए ये भी ट्रेस हो गया। फिर हम पिक टूल लेंगे, फिर ये दोबारा से ले लेंगे। ये देखिए सिर्फ नोड्स हमें लेनी है, और बहुत आसान है ये डिज़ाइन तो, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा जब ये डिज़ाइन में यूज़ किया जाए। दिखने में सिंपल है लेकिन खूबसूरत है।
अब इसमें मान लीजिए ये कलर डले हुए, हम कोई और कलर भी यूज कर सकते हैं। हम इसमें देखिए हम ग्रीन यूज कर सकते हैं, ये सबसे बिहाइंड वाला है। ग्रीन की डेंसिटी थोड़ी बढ़ा लेंगे हम, 70 कर लेंगे इसमें सियान, 100 येलो, आउटलाइन नन। और यहां हम इसकी जगह हम कोई और कलर ले लेंगे, ये वाला कलर ले लेंगे, देखिए पर्पल, और पर्पल प्लेन रहने देंगे। और फिर से हम इसमें पर्पल फिल कर देंगे पर्पल के साथ। ये देखिए आउटलाइन नन नहीं कर रहा हूं मैं अभी, ताकि आपको दिखता रहे। यहां पर हम ग्रेडियंट टूल का यूज करेंगे इस तरह से, और यहां बॉटम में कोई लाइट टोन ले लेंगे हम, ये वाली ले लेते हैं, देखिए आउटलाइन नन कर देंगे, ये देखिए इस तरह। देखिए हमारी तीन लेयर्स थी, 1 2 3। इसमें उल्टा डाला हुआ है, बॉटम में डार्क है। देखिए ग्रेडियंट टूल लूंगा मैं, इसको फ्लिप करके हम उल्टा कर देंगे, ये लाइट टू डार्क। ये देखिए एज पर थोड़ा सा है बस, इस तरह। अगर आप यही कलर रखना चाहते हैं यही कलर भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। कलर चेंज भी कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं आप इसकी जगह, आपको यहां पर ऑरेंज कर सकते हैं, यहाँ पर भी ऑरेंज एंड येलो कर सकते हैं ग्रेडियंट के साथ। कलर आप किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं, दूसरा कलर यहाँ पर ये वाला डाल सकते हैं आप, ये देखिए। और ये विजिटिंग कार्ड का अगर एक साइड से एज बनाएंगे आप, मान लीजिए ये आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, इसका साइज होता है 3.5 इंचेस 2.25। ये आपके विजिटिंग कार्ड का साइज है, इसको हम छोटा कर लेंगे और यहाँ बॉटम में इस तरह मिला लेंगे। देखिए अब जहां भी हमें प्लेस करना है, ये देखिए कितना खूबसूरत लगेगा विजिटिंग कार्ड पर, ये यहाँ लोगो आ जाएगा और बहुत कुछ आ जाएगा। या ब्रोशर भी बन रहा होगा तो उसमें भी काफी कुछ इसके साथ कर सकते हैं। तो आज यही समझाने का मकसद ये था कि अगर आप ट्रेसिंग अच्छे से कर लेंगे तो आपकी कमांड डिजाइनिंग में बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ट्रेसिंग से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऑनलाइन डिज़ाइनिंग के लिए जेपीजी इमेजेस बहुत सारी अवेलेबल होती हैं। बहुत बार आपके पास आइडियाज़ नहीं होते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, लेकिन नेट पर बहुत सारे रेफरेंस मिल जाते हैं, उनको अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप नेट से रेफरेंस निकालें और इस तरह से ट्रेस करके उस एलिमेंट के थ्रू पूरा डिज़ाइन डेवलप कर सकते हैं। तो मेरे आज की वीडियो में यही था कि आपको ट्रेसिंग की स्किल्स किस तरह अच्छी हो। मैं आगे भी इस तरह की चीज़ें लाऊंगा और इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लाऊंगा। ये बहुत खूबसूरत है जो आज दिखाया है, इस तरह की चीज़ें आप बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज का ट्यूटोरियल हमारा, ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट कर बताइएगा। और जल्दी जल्दी आगे भी और नए वीडियो लाता रहूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।